तो दोस्तों शायद आपको पता होगा कि मेरा यार फ़ोन घूम हो गया है, तो मैं अपने सारे वीडियोस तो फ़ोन से ही एडिटिंग करता हूँ। चलो कोई ना, अब मैं मैनेज करके किसी और के फ़ोन से एडिटिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ी एडिटिंग की जो क्वालिटी है माइनर हो सकती है। तो दोस्तों सॉरी उसके लिए, बहुत ज़्यादा सॉरी। और एक चीज़ के लिए सॉरी कि मैंने MP कबड्डी लीग के बारे में बहुत ज़्यादा लेट वीडियो बनाई। तो उसका कारण, मेन रीज़न ये है कि दोस्तों मैंने MP वालों को भी कॉल किया था बहुत, उन लोगों का कुछ भी मतलब उतना अच्छा उनको रिएक्शन नहीं था, और उन्होंने उतना अच्छा जानकारी मुझे दी ही नहीं थी, तो उन पे भी मेरा भरोसा नहीं बन पा रहा था। मैं MP वालों को दोष नहीं देता, क्योंकि वो लोग ये सब ऑर्गेनाइज करने में ही इतने ज़्यादा बिजी थे, तो उनका एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइज करने का जो एक होता है ना मीडिया साइट, तो उन पे उनका ध्यान उतना नहीं रहा, क्योंकि एक जो मैनेजमेंट टीम है वो कितना संभालेगी। जो एडवर्टाइजिंग करने का तरीका, जो एडवर्टाइजिंग करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो न्यू स्पोर्ट्स पे थी, और न्यू स्पोर्ट्स ने क्या घटिया एडवर्टाइजिंग की है। ठीक है, रजन बोध नाम के CEO है न्यू स्पोर्ट्स के, उनको मैंने पर्सनली कॉल किया। उनका कहना है उनको पता ही नहीं MP कबड्डी लीग के बारे में। ठीक है, वो लोग एडवर्टाइजिंग करना ही नहीं चाहते न्यू स्पोर्ट्स वाले, तो कैसे यार MP कबड्डी लीग हिट रहेगा। तो ये बात है, न्यू स्पोर्ट्स ने सरासर मना कर दिया कि उनको पता ही नहीं, उनके TV जो स्केड्यूल थे वो भी अपडेट किया है शाम को, तभी पता चला कि हाँ यार MP कबड्डी लीग तो होगी न्यू स्पोर्ट्स पे, उसके पहले तो उनके स्केड्यूल में भी नहीं था। तो तब मुझे लगा कि MP कबड्डी लीग शायद फेक है। तो मैं चाहता था कि ये वीडियो मैं ना बनाऊँ, मेरे व्यूअर्स को गलत खबर ना जाए। तो लेकिन दोस्तों अब पता चल गया है कि फेक नहीं है। क्या करें यार, एडवर्टाइजिंग बहुत ही फालतू की है इन लोगों ने। तो चलो यार, वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 टीमें हैं, और 8 टीमें क्या क्या है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, चाहो तो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट मार लो। फिर दोस्तों यहाँ पे जो स्केड्यूल है उसकी भी फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 7 अगस्त से चालू है, 12 अगस्त को फाइनल है, और हर दिन आपको 6 से 9 बजे तक MP कबड्डी लीग देखने को मिलेगी नियो स्पोर्ट्स पे। हाँ दोस्तों, 6 से 7 बजे तक वो लोग जो भी कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो एनालाइज करते हैं, उसके बाद मैचेस चालू होते हैं, आप देख सकते हो। और बड़े बड़े स्टार्स मिल्खा सिंह, फिर हमारे गुलशन ग्रोवर, सलीम मर्चेंट, जो भी बड़े बड़े स्टार है वो आ रहे हैं इस लीग को देखने के लिए, इस लीग में खुद शिरकत लगाने के लिए। और आप फ्री में जा सकते हो इस लीग में, जो स्टेडियम है वहाँ पे आप फ्री में जा सकते हो। और क्या है, ग्रुप डिवीजन की फ़ोटो देख लो, आप अपने स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। और दोस्तों ये जो लीग है, यहाँ पे महेश गौड़ जैसे बड़े बड़े सितारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, प्रीतम चिल्लर है यार, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। मतलब ये AKFI से ही ऑर्गेनाइज्ड होगी शायद, AKFI तो नहीं दोस्तों, AKFI के अंडर जो मध्य प्रदेश की जो कबड्डी बॉडी है उसके अंडर ही हो रही होगी। तो बहुत ही बढ़िया लीग है, और थैंक्स टू न्यू स्पोर्ट्स कि उन्होंने यार ये मुकम्मल किया, क्योंकि अभी तक हम कबड्डी स्टार स्पोर्ट्स पे ही देखते आ रहे थे, अभी दूसरे चैनल पे भी देखेंगे, Sony 10 पे भी हमने देखा है, लेकिन वो एशियन गेम्स है। लेकिन एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग और एक चैनल पे देखना, वो भी न्यू स्पोर्ट्स, बड़ा ही चैनल है, अच्छा खासा ही चैनल है। पता नहीं यार क्या हो गया, इतना घटिया एडवर्टाइजिंग की है उन लोगों ने। न्यू स्पोर्ट्स वालों को थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग, थोड़ा बहुत उनको, अगर आप TV पे एडवर्टाइज नहीं कर सकते तो हम किस लिए बैठे यार, हमसे कांटेक्ट करो, आप ठीक से बात करो, हमको इन्फो दो, हम करते ना, सब कुछ करते, लगभग 1 महीने पहले से ये कर रहे तो हमें कहते तो हम कर देते ना, अब तक बहुत ज़्यादा व्यूअर्स को पता भी चल जाता। तो अब वीडियो डाल रहा हूँ, शायद फाइनल तक बहुत लोगों को पता चले, और फाइनल में उनका जाके जो TRP है वो ज़्यादा आए, और इनका TRP ज़्यादा आएगा तो मुझे खुशी ही होगी, क्योंकि कबड्डी चलनी चाहिए, बस यही मेरा मकसद है। तो दोस्तों बताओ यार वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लगता नहीं अच्छी लगी होगी, क्योंकि एडिटिंग बहुत ही घटिया की है, क्योंकि मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, मेरा फ़ोन गुम हो गया है, मुझे फिर से सेटअप करना पड़ेगा सब कुछ। तो यार देखते हैं कैसे होता है, विश मी लक, जल्द मैं सब कुछ ठीक करूँ। तो चलो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में।